बच्चा, हमारा चोर, हमारी मां बुजुर्ग। अरे इसकी मां की, इसके बाप की। अरे क्या क्या रंडी के बच्चे खराब कर दोगे फिर पूरी जिंदगी के लिए। वो वज़ीर आज़म इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने इमरान खान से वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ लिया। उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है और इस वक्त ये आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये मनाज़िर देख सकते हैं। 22 साल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना कर रहे हैं। इससे पहले सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने उनसे ओहदे का हलफ लिया था। हलफ बर्दारी के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हलफ के दस्तावेजात पर दस्तखत किया। तकरीब के बाद अब 9 मंतर के वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया है। ये वो तारीखी मनाजिर हैं जो इस वक्त देखे जा सकते हैं। मुख्तलिफ सरबराह से इमरान खान मुख्तलिफ़ से इस वक्त हाथ मिला रहे हैं, मुसाफिया कर रहे हैं। उनके साथ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी मौजूद है। इमरान खान को इस वक्त देखा जा सकता है। ये तारीखी मनाज़र हैं। 22 साल की जद्दोजहद, 22वें वज़ीर आज़म और इस वक्त सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान से वो मुसाफिया भी कर रहे हैं और इस वक्त ये मुलाकात का सिलसिला जारी है। गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया और 22 साल की जद्दोजहद, 22वें वज़ीर आज़म अकेला ही चला सा जानिब मंजिल मगर लोग मिलते गए। कारवां बनता गया और आज कारवां को हतमी मंजिल मिली है और दर हकीकत इमरान खान के कहने के मुताबिक अब सफर का आगाज हुआ है। 22 साल की जद्दोजहद, 22वें वजीर आजम बिलाकर मुंतखब हो गए इमरान खान। ऐसे मौके पर 22 का हिस्सा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि 22 साल की जद्दोजहद, 22 करोड़ अवाम और आज के दिन उन्होंने हल्फ उठाया और यकीनन ये एक बहुत बड़ा मकाम है जो इमरान खान हासिल कर चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपनी अरे चल जा फेंकूंगा भेजो जद्दोजहद का आगाज किया था और आज के दिन जो पूरा कारवां उनके साथ है और उनके साथ कदम मिलाकर चल रहा है, उनकी इस जद्दोजहद को मंजिल तक लेकर आने में इस पूरे कारवां की मेहनत शामिल है। और वजीर आजम इमरान खान इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करने के बाद, अहम शख्सियात से मिलने के बाद इस वक्त रवा दवा है और ये वो तमाम मराहिल हैं जो कोई भी वजीर